हेलो फ्रेंड्स, सी वी आर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ साइंस जीके के क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में आपको हमें बताना है। तो गाइस देखिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बॉडी से, मतलब मानव के शरीर से रिलेटेड है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट है आपका, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है। नेक्स्ट है गाइस, कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कशेरुकाओं की जो संख्या होती है हमारी वो 33 होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा, पसलियों की संख्या कितनी होती है? देखिए पसलियों की संख्या 24 होती है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या 7 होता है। नेक्स्ट है आपका, श्वसन गति मनुष्य कितने बार करता है? श्वसन गति मनुष्य 16 बार प्रति मिनट करता है। कितने बार? 16 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है, मनुष्य हृदय गति कितने बार करता है? मनुष्य हृदय गति 72 बार प्रति मिनट करता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए दंत सूत्र क्या होता है, मतलब कि मानव का दंत सूत्र कितना होता है? तो 2:1:2:3 होता है। कितना होता है गाइस? 2:1:2:3। चलिए हम बात करते हैं और भी आगे क्वेश्चन की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है, रक्तदाब कितना होता है, मतलब कि मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होता है? 120 से 80 होता है। कितना? 120 से 80। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान कितना होता है? तो शरीर का तापमान गाइस कितना होता है? शरीर का तापमान जो हमारा होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे कोई फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट, मतलब कि डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं हम, चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी है? क्या दिया है गाइस? चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो चेहरे में अस्थियों की संख्या गाइस 24 होती है। कितनी? 24। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ, जत्तुर की संख्या कितनी है? जत्तुर की संख्या 2 होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हथेली की संख्या कितनी होती है? हथेलियों की संख्या 14 होती है। कितनी? 14। नेक्स्ट है, पंजे की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पंजे की अस्थियों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय के दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है? क्या दिया है गाइस? हृदय के दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? 0.8। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दिया हुआ है कि हृदय की दो धड़कने के बीच का समय 0.8 सेकेंड होता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक श्वास में खींची गई, क्या दिया है गाइस? देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एक श्वास में खींची गई वायु कितनी होती है? मतलब कि आप एक श्वास में कितनी वायु खींच लेते हैं? तो 500 मिलीलीटर। क्या होता है? 500 मिलीलीटर। हम एक बार में 500 मिलीलीटर सांस को खींच सकते हैं। नेक्स्ट होती है, सुनने की क्षमता कितनी होती है? मतलब कि मनुष्य के शरीर में सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 120 डेसिबल मनुष्य में सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट आपका है, कुल दंत कितने होते हैं? मतलब कि मनुष्य के शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? इसका आंसर है 22। चलिए हम बात करते हैं कुछ आगे देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया है कुछ कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, दूध के दांत की संख्या जो हमारी होती है वो गाइस वो कितनी होती है? वो हमारी जो होती है वो 20 होती है। कितनी? 20 होती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, अक्ल डाल निकलने की आयु कितनी होती है? कितना होता है गाइस? अक्ल डाल निकलने की आयु कितनी होती है? 17 से 25 वर्ष होता है। 17 से 25 वर्ष अक्ल डाल निकलने की आयु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट है आपका गाइस, चलिए हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है? शरीर में तत्वों की संख्या 24 होती है।
आगे देखते हैं शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो शरीर में पानी की मात्रा 70% पानी की मात्रा होता है। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है हमारा वो 7.4 होता है। नेक्स्ट है हमारा गाइस हृदय का भार कितना होता है, मतलब कि किसमें, लड़कों में, ठीक है, बॉयस में हृदय का भार कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना गाइस, 300 ग्राम बॉयस में होता है। नेक्स्ट है महिलाओं में हृदय का भार कितना, मतलब कि कितने फीट होता है, तो महिलाओं में 22 फीट, ठीक है, हृदय पाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन लेकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शरीर में पानी की मात्रा कितने लीटर होता है, मतलब कि शरीर में पानी की मात्रा कितने लीटर हम रख सकते हैं, तो 22 लीटर तक हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है और पानी वैसे भी आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का भार कितना होता है, मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम होता है, किसमें, पुरुषों में, ठीक है, महिलाओं में मस्तिष्क का भार कितना होता है गाइस, 500 ग्राम का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एंड आखिरी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है गाइस, इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखिएगा। कह रहा है कि मनुष्य में खोपड़ी की संख्या कितनी होती है, मतलब कि मनुष्य की खोपड़ी की संख्या कितनी है गाइस, तो मनुष्य की खोपड़ी की संख्या है 29। कितनी दिख रही है गाइस इसमें, 29 मनुष्य की खोपड़ी की संख्या होती है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं एंड कमेंट भी करें कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी दिख रही है एंड आपको क्या टॉपिक है, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है। ओके गाइस आज के लिए इतना ही। ओके गाइस धन्यवाद।